Hello students, in this video we will discuss about word meaning and exercise of chapter 4 of English literature. So now let's start with word meaning. पहला वर्ड क्या है हमारा स्काई स्क्रैपर्स. स्काई स्क्रैपर की मीनिंग क्या होती है? टॉल मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे काम होते हैं और वो बहुत लंबी लंबी ऊंची ऊंची होती हैं, ठीक है. एनालाइज्ड, एनालाइज्ड का मतलब एग्जामिन्ड इन डिटेल, किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा हम जो डिटेल में कोई चीज निकालते हैं, इसके बारे में सर्च करते हैं, उन्हें हम एनालाइज कहना करते हैं. इवेल्युएटेड मींस असेस्टेड, मतलब किसी चीज को नापना जोखना जो होता है वो कहते हैं. फेल्ट ब्लू मतलब फेल्ट सैड, ब्लू फेल्ट कर ब्लू फील करने का मतलब बुरा फील करना, ठीक है. ग्रीन विथ एनवी मींस हैविंग जेलसी, ग्रीन विथ एनवी का मतलब क्या होता है? दूसरे से जलन होना. ग्रीन थंब मींस गुड एट ग्रोइंग प्लांट्स, ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अच्छे से उगते हैं. नोवेल्टी, नोवेल्टी मीन्स अ न्यू और अनयूजुअल थिंग, कोई भी नई और जो न होने वाली चीज होती है वो जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हाँ ये हो सकती है वो होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नोवेल्टी कहते हैं. ओकेजन अ स्पेशल इवेंट हैपनिंग और टाइम, ऐसा कोई स्पेशल कोई चीज होती है या कोई स्पेशल टाइम होता है उसे हम क्या कहते हैं? ओकेजन कहते हैं. चलिए अब एक्सरसाइज देख लेते हैं. टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें क्या करना है इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसे टिक करना है. द होल वर्ल्ड टर्न, जो सारी दुनिया रहती है वो किसमें टर्न हो जाती है? वायलेट वन डे, एक दिन वो क्या हो जाती है? पूरी दुनिया वायलेट कलर में चेंज हो जाती है. आफ्टर वन ईयर ऑफ टर्निंग वायलेट द वर्ल्ड होल वर्ल्ड टर्न इन टू येल्लो, जब वायलेट कलर हुआ रहता है उसके ठीक एक साल बाद क्या होता है? जो पूरा वर्ल्ड होता है वो येलो कलर का हो जाता है. ओनली डैश डिड नॉट चेंज इट्स कलर, केवल कौन जो रहता है अपना कलर नहीं चेंज करता है? द ब्लू जे, जो ब्लू जे रहता है वो क्या करता है? अपना कलर चेंज नहीं करता है. डैश गैदर टू एनालाइज एंड इवेलुएट द ब्लू जे, कौन जो रहते हैं गैदर होते हैं आते हैं और उसके बारे किसके बारे में सॉरी ब्लू जे के बारे में एग्जामिन करते हैं, वो कौन रहते हैं? द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के अच्छे अच्छे साइंटिस्ट रहते हैं वो आते हैं और उसके बारे में एनालाइज करते हैं, ठीक है. द ब्लू जे वॉज रिलीज फ्रॉम इट्स केज बिकॉज द होल वर्ल्ड हैज ऑल्सो चेंज इन टू ब्लू, जो उसको जो ब्लू जे रहता है उसको केज से उस पिंजरे से निकाल दिया जाता है. क्यों निकाल दिया जाता है? क्यों? क्योंकि सारा जो वर्ल्ड रहता है वो ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है, इसलिए वो बहुत स्पेशल नहीं रह जाता, वो कॉमन हो जाता है, ठीक है. नेक्स्ट क्या है? ट्रू फॉल्स. पहला, ब्लू जे वॉज द ओनली क्रिएचर हु डिड नॉट चेंज इट्स कलर, जो ब्लू जे रहता है वो एक ऐसा क्रिएचर रहता है जो अपना कलर नहीं चेंज करता, तो क्या हो जाएगा? ट्रू, ठीक है. आफ्टर वन ईयर द वर्ल्ड हैड टर्न इनटू ग्रीन, एक साल बाद जो वर्ल्ड रहता है वो क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है? नो, फॉल्स, येलो होता है वो, ठीक है. एफ ए एल एस ई, फॉल्स. नेक्स्ट क्या है? एट लास्ट द वर्ल्ड रिगेन्ड इट्स रेनबो ऑफ कलर, एट लास्ट में, लास्ट में क्या होता है? जो वर्ल्ड रहता है अपना रेनबो पा जाता है. यस, ट्रू. फिर द पीपल लॉस्ट इंटरेस्ट इन द ब्लू जे बर्ड एट लास्ट, जो लोग रहते हैं उनका जो है इंटरेस्ट होता है ब्लू बर्ड ब्लू जे बर्ड में खत्म हो जाता है. ट्रू. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अनस्क्रैम्बल वर्ड्स. इसमें अनस्क्रैम्बल का मतलब क्या होता है? वर्ड्स जो हैं हमारे सारे इधर से उधर हो जाते हैं, उन्हें हमें करेक्ट करना होता है, ठीक है. इसमें क्या हो जाएगा? पहला एक्सपेक्ट, ई सॉरी एक्सेप्ट, ई एक्स सी ई पी टी, एक्सेप्ट, ठीक है. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? वायलेट, वी आई ओ एल ई टी, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंट. ओके, नेक्स्ट क्या होगा?
एग्जैक्टली EXACTLY एग्जैक्टली. फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? WORLD वर्ल्ड. फिर उसके बाद क्या होगा? STADIUM स्टेडियम. ठीक है, we have studied some phrases in the lesson related to the name of the colors. हमने इस चैप्टर में कुछ फ्रेजेस पढ़े थे किससे रिलेटेड? कलर्स से रिलेटेड. जैसे लाइक ग्रीन विथ एनवी. ग्रीन विथ एनवी का मतलब क्या हो जाएगा? हैविंग जेलसी, मतलब एक दूसरे से जलन होना. ठीक है, ग्रीन थंब मीन्स गुड एट ग्रोइंग प्लांट्स. ग्रीन थंब का मतलब क्या हो जाएगा? गुड एट ग्रोइंग प्लांट्स. लेट्स स्टडी सम मोर फ्रेजेस ऑन कलर्स. चलिए हम कुछ और फ्रेजेस जो है कलर से रिलेटेड उन्हें हम पढ़ते हैं. ठीक है, मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी. हमें क्या करना है? जो कॉलम ए है उसमें उससे कॉलम बी में जो उनकी मीनिंग है उनसे मैच करना है. पहला क्या है? रेड हैंडेड. रेड हैंडेड का मतलब एट द टाइम ऑफ क्राइम, मतलब कोई भी गलती करते हुए उसको पकड़ना. ठीक है, व्हाइट नाइट. व्हाइट नाइट का मतलब क्या होगा? स्लीपलेस नाइट. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? स्लीपलेस नाइट. येलो बेली. येलो बेली का मतलब क्या होगा? कुवार और टिमिड. ठीक है, ब्लू आइड बॉय. ब्लू आइड बॉय का मतलब फेवरेट पर्सन. ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू. आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होगा? अनएक्सपेक्टेडली. ठीक है, ग्रीन आइड का मतलब क्या होगा? जेलस. ग्रीन आइड का मतलब क्या होगा? जेलस. फिर रेड फेस्ड का मतलब एम्बेरस्ड और अशीम्ड. ठीक है, इस तरह ये करना है. ओके, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. हमें क्या करना है? ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनसे इन ब्लैंक्स को फिल करना है. तो पहला क्या होगा? नेवर डैश विथ योर टीचर, शी नोज एवरीथिंग बेटर देन यू. नेवर आर्ग्यू विथ योर टीचर. कभी अपने टीचर के साथ बहस नहीं करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि वो तुमसे ज्यादा तुम्हारे बारे में जानती हैं. No one can win over him in an argument. क्या हो जाएगा? argument. कोई भी उससे बहस में जीत नहीं सकता है. मोहन लुक्ड वेरी वीक. मोहन जो है बहुत कमजोर दिख रहा है, बट नाउ ही हैज रिगेन्ड हेल्थ. मोहन जो है पहले बहुत कमजोर था, पर उसने क्या किया? अपनी हेल्थ को रिगेन कर लिया, सुधार लिया. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? द मॉडर्न इंडियन सिटीज हैव बिकम फुल ऑफ मैनी स्काई स्क्रैपर्स. जो मॉडर्न सिटी है उसमें क्या है? बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची मल्टी स्टोरेज जो है बिल्डिंग्स बन गई है. ठीक है, स्काई स्क्रैपर का मतलब क्या होता है? टॉल मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स. आई हैव एन डैश सेम ड्रेस एज योर्स एंड एग्जैक्टली. मेरे पास बिल्कुल सेम ड्रेस है जैसे कि तुम्हारी है. I participated in a dash competition, मतलब डिबेट कॉम्पिटिशन, इन my स्कूल एंड scored सेकेंड पोजिशन. मैंने अपने स्कूल में एक डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और सेकेंड पोजिशन आई मेरी. मोहित annoys me lot, a lot. मोहित जो है मुझे बहुत ज्यादा annoy करता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है. Instead of studying, he starts playing after coming back from his school. वो पढ़ने के बजाय खेलने लगता है जब वो स्कूल से आता है. ठीक है,
ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी कंजक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंजक्शन, सॉरी कनेक्टर्स आर वर्ड्स, जो कनेक्टर होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी दो वर्ड या दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं आपस में, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। एंड इज यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस, जो एंड होता है उसका यूज किस लिए किया जाता है, किन्हीं दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। When the second sentence tell about what is expected to happen, कब किया जाता है, जब second sentence जो रहता है बताता है कि क्या होने वाला है, ठीक है, or is used to join two sentences, or का भी use किस लिए किया जाता है, दो sentences को join करने के लिए। When the sentence refers to a choice, जब sentence में ऑप्शन रहता है कि हमें ये लेना है या ये लेना है, ठीक है। बट इज यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस, बट का भी यूज किस लिए किया जाता है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। व्हेन द सेकंड सेंटेंस टेल्स यू समथिंग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैपन, जब सेकंड सेंटेंस हमें बताता है कि ये चीज मतलब सोची नहीं गई थी कि होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज, use and or but to join and rewrite the sentences, हमें क्या करना है, and or but का use करना है इन sentences को join करने के लिए। Janet is good at maths, Janet is good at science, तो हम क्या करेंगे, Janet is good at maths and science, Janet जो है वो क्या है, मैथ्स में भी अच्छा है और साइंस में भी अच्छा है, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। आई माइट गो बाय ट्रेन, आई माइट गो बाय बस, या तो मैं ट्रेन से जाऊंगा या तो मैं बस से जाऊंगा, आई माइट गो बाय ट्रेन और बाय बस, या तो मैं ट्रेन से जाऊंगा या तो मैं बस से जाऊंगा। द प्रिंस वॉज टॉल, द प्रिंस वॉज हैंडसम, जो प्रिंस रहता है वो टॉल भी रहता है हैंडसम भी रहता है। द प्रिंस वॉज टॉल एंड हैंडसम, फिर नेक्स्ट क्या है, डू योर होमवर्क, यू विल नॉट वॉच टीवी टुनाइट, Do your homework or you will not watch TV tonight. इस तरह ये हमें फिल करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, अंडरलाइन द कंजक्शन इन ईच सेंटेंस, हमें क्या करना है इसमें, कंजक्शन को अंडरलाइन करना है, ठीक है। आई गो टू बेड व्हेन आई एम टायर्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन, जो दो सेंटेंसेस को क्या ज्वाइन कर रहा है ना, इसलिए कंजक्शन है। इट वॉज कोल्ड सो आई पुट ऑन माई कोट, I telephoned several times, but you were not in. My mother crossed me when I was coming home. I drank a lot of water because I was thirsty. I was late because it was raining heavily.
इसमें क्या है, जो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं वर्ड, उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं, और ये जो सारे वर्ड्स हमने अंडरलाइन किए हैं वो सारे ही कंजक्शन है। ठीक है, फिर बाकी एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे। ओके, थैंक यू।